Dear students, today we will discuss one of the topic of the same chapter, relation and function, which is in syllabus of JK SSB Finance Accountants Assistant. Finance Accountants Assistant ki syllabus mein relation and function is one of the chapter. Uska ek टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, इफ वी हैव ए रिलेशन से आर इट इज इक्वल टू एक्स वाई साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी. यहां इस तरह रिलेशन होगा, आर इज इक्वल टू एक्स वाई साइज दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू. डिफरेंस यहां पे यही है, ये रिलेशन इट इज डिफाइंड ऑन ए सिंगल सेट. दिस वन रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी. वी हैव टू सेट्स ए, यहां पे दूसरा सेट बी है. इन दो के दरमियान जो रिलेशन है वही यहां पे हमने लिया है. यहां पे सेकेंड वन जो हमने लिया, इट इज डिफाइंड ऑन द सेम सेट. अब इसी रिलेशन से हम फंक्शन का डेफिनेशन डिस्कस कर, चाहे आप ये ले या ये ले, जो हमारी मर्जी है. यहां पे इट इज सिंपली अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट. इट इज रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेम सेट, इतना ही फर्क. अब हमारे पास डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, वी हैव ए रिलेशन, गिवन ए रिलेशन, गिवन ए रिलेशन से आर लेंगे हम. आर इट इज इक्वल टू एक्स वाई साइज दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू. हमने एक ही सेट पे रिलेशन, ये भी आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जो आप चाहें. इफ वी हैव ए रिलेशन, कब उस रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं, यहां पे आपको देखना है. फर्स्ट कंपोनेंट, we have a relation, we have ordered pairs. If the first component of the ordered pairs of a given relation does not repeat, then the relation is said to be a function. Remember this definition. If the first component of the ordered pairs of a given relation does not repeat, that is, agar hamare paas दो ऑर्डर पेयर होंगे, से एक्स वाई, एक्स वन वाई एंड एक्स वन एक्स टू वाई टू, ये दो ऑर्डर पेयर रिलेशन में होंगे, ये तभी, ये जनरल दो ऑर्डर पेयर हम लेंगे, ये तभी रिलेशन बन, सॉरी फंक्शन बन सकता है. If x1 is not equal to x2, जब भी आप एक रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर उसको एनालाइज कर लेंगे, अगर उनका फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट नहीं होता, या अगर दो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट ले लिया, वो इक्वल नहीं होंगे. जनरली अगर आप कोई से भी दो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, अगर उनका फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल नहीं होगा, तब जाके दैट रिलेशन इज ए फंक्शन. एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल यहां पे हम लेंगे, ए हम सेट लेंगे यहां पे से वन टू थ्री. रिलेशन एक हम लेंगे यहां पे से वन टू टू थ्री, ये एक रिलेशन. दूसरा रिलेशन लेंगे हम से वन टू वन थ्री, ये भी रिलेशन है डिफाइन ऑन द सेट ए, ये भी रिलेशन है डिफाइन ऑन सेट ए. Clearly, when see this relation, first component को आपको देखना है, second component पे restriction नहीं है, वो same है या different है. First component, see first component, यहां पे one है, यहां पे two है. Object जो आ सकता है, पूछा जा सकता है, वहां पे given relations होंगे, which are the following is a function. Simply you can check first component of the ordered pairs of the given relation. यहां पे वन है, यहां पे टू है, दो ही ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, दोनों का जो
फर्स्ट कंपोनेंट है वो डिफरेंट है, देयरफॉर दिस रिलेशन इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। अगर इस वाले रिलेशन को देख लेंगे, यहां पे सी हियर वन इज फर्स्ट कंपोनेंट, वन इज हियर फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट्स, देयरफॉर इट इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन आ गए, ये फंक्शन नहीं है। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, रिमेंबर दिस पॉइंट, बिकॉज दिस इज रिलेशन, दिस इज रिलेशन, ये रिलेशन फंक्शन आ गया, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। अब अगर ये आपके पास कोई फंक्शन होगा तब जाके नेसेसरी वो फंक्शन रिलेशन पहले होगा, बिकॉज डेफिनेशन ऑफ रिलेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिलेशन, रिलेशन से ही हमें डेफिनेशन ऑफ फंक्शन मिलता है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज, जो डोमेन और रेंज, ये हमारे पास फंक्शन है, फर्स्ट कंपोनेंट सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट जो हमने डिस्कस किया रिलेशन में भी, फर्स्ट सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन एंड सेकंड कंपोनेंट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये थी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिलेशन, और रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये आपके एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव होगा रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, तब जाके हमारे पास वहां पे नीचे क्वेश्चन में दो चार रिलेशंस होंगी, उन रिलेशंस में आपको चूज करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन, या इस तरह भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन, इज नॉट फंक्शन, रिलेशन नीचे होंगे इस तरह की, जिस तरह यहां पे हमने दो रिलेशन और दो डाल सकते हैं, फिर आपको चूज करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन। क्लियरली सी द फर्स्ट कंपोनेंट, इफ यू चेक द फर्स्ट कंपोनेंट यू कैन इजिली वेरीफाई द गिवन रिलेशन इज वेदर ए फंक्शन और नॉट ए फंक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।